गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो तुम सब। आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं और ये वीडियो हमारे लेवल 2 में पढ़ रहे बच्चों के लिए है और विषय है इंग्लिश का। आप सबको पता है कि हमारे इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ए से लेकर जेड तक होते हैं 26 अल्फ़ाबेट्स, और उसमें से जैसे आपको पता है हिंदी में भी स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं, ठीक है, ऐसे ही इंग्लिश में भी स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वरों को कहते हैं हम वॉवल्स, और जो बचाते हैं यानी कि व्यंजनों को क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम वॉवल्स पर चर्चा करेंगे। आपको पता है इंग्लिश में कितने स्वर होते हैं। इंग्लिश में स्वर होते हैं 5। कौन कौन से? ए, मेरे पीछे पीछे बोलोगे आप, ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, दीज आर वॉवल्स। तो ए ई आई ओ और यू। तो आज मैं इस वीडियो में किस पर चर्चा कर रही हूँ? आज मैं चर्चा कर रही हूँ वॉवल ए से बने शब्दों पर। ए ई आई ओ यू। इस चित्र को ध्यान से देखो और इस एनिमल का नाम इंग्लिश में बोलो और मुझे बताओ किसकी आवाज आ रही है। अब इस दूसरे चित्र को देखो और इस एनिमल को भी तुम पहचानते हो ना, इसका नाम इंग्लिश में बोलो और मुझे बताओ किसकी आवाज आई। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वर्ड्स विद वॉवल ए साउंड। ए की साउंड कैसे होती है? ए की। ए और ट मिलके बन गया एट। आपको मेरे पीछे पीछे रिपीट करना है, एट। अब देखो यहां कौन से वर्ड्स हैं एट से। ब एट अ बैट, ह एट अ हैट, प एट अ पैट, स एट अ सैट, फ एट फैट, म एट मैट, र एट रैट। क्या आपने ये वाले वर्ड सुने हुए हैं आपने? ये देखिए ऊपर पिक्चर और मुझे बताइए इसमें कौन से वर्ड्स आएंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज अ रैट, र एट अ रैट। व्हाट इज दिस? यहाँ कौन सा वर्ड दिख रहा है? F A T, फैट। ये बॉय क्या कर रहा है? ये बैठा हुआ है, और बैठने के लिए कौन सा वर्ड होता है? S A T, सैट। अब ये देखो अपने डॉग को क्या कर रहा है, ये पैट कर रहा है, सहलाना। प ए ट, पैट। मूव टू नेक्स्ट वर्ड्स। ए जमा ड, यानी जब अ के पीछे ए के पीछे ड की आवाज आती है तो वर्ड क्या बन जाता है? ए ड। दोनों को मिलाकर ध्वनि निकालेंगे, साउंड निकालेंगे, एड एड। देखो अब हम क्या लाए हैं, स एड सैड। सैड मतलब उदास। जब आपको आपकी मनपसंद चीज नहीं मिलती तो आप क्या हो जाते हैं? हैप्पी का अपोजिट सैड। पापा को क्या बोलते हैं? ड एड डैड। नोटों की गड्डी को क्या बोलते हैं? व, जो डब्ल्यू होता है ना उसको वह की साउंड देते हैं, वह। व एड वैड। और ये तो आपके पास होगा ही लिखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, प एड पैड। तो चलिए हम रिवाइज करते हैं और आपने मेरे पीछे पीछे यू हैव टू रिपीट रिपीट करना है। ह एड हैड, ब एड बैड, म एड मैड, मैड मतलब पागल, स एड सैड, ड एड डैड, प एड पैड। मूव्स टू नेक्स्ट कैटेगरी। जब ए के पीछे बी जुड़ जाता है तो क्या आवाज आती है? ए और बी नहीं बोलेंगे, ए और ब बोलेंगे, ए जमा ब एब, ड एब डैब, क एब कैब, फ एब फैब, न एब नैब, ट एब टैब, ल एब लैब। लैब मतलब लेबोरेटरी। ये क्या है? क एब कैब। मूव टू नेक्स्ट। ए जमा ग, यानी अ के पीछे जब ग की आवाज आती है, ए के पीछे, ए ए जमा ग, ए ग एग, ब एग बैग, फ एग फैग, ल एग लैग, न एग नैग, र एग रैग, स एग सैग, ट एग टैग, व एग वैग। देखते हैं अब आपको कौन से वर्ड्स पहचान है। ये क्या है? व्हाट इज दिस? इट्स अ बैग, ब एग बैग। ये क्या है? जब आप कोई नया कपड़ा लेते हैं तो उसके पीछे उसकी कीमत लगी होती है, उसकी कंपनी लिखी होती है, उसका प्राइस लिखा होता है ना, तो ये क्या है बच्चों? वो क्या दिखाता है, किसमें दिखाता है? ट एग टैग। अब यहाँ डॉग जो है अपनी टेल को हिला रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? वैग, व एग वैग। और जो हमारे फटे हुए कपड़े होते हैं, इस जिसे हम हिंदी में चिथड़े बोलते हैं,
कपड़ा जो जगह जगह से फटा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? र एग, रैग। मूव टू नेक्स्ट कैटेगरी, ए म एम, ड एम डैम। डैम क्या होता है? बांध, नदियों को बांध कर रखा जाता है और उस बांधने से जब पानी गिराया जाता है तो उससे बनती है पन बिजली, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से बनने वाली बिजली। ज एम जैम, र एम रैम, ह एम हैम। देखते हैं आपको कितने वर्ड्स पहचान है। ये क्या है? ज एम जैम, ये क्या है? बांध है, ऊपर से पानी गिराया जा रहा है। ड एम डैम। और मूव टू नेक्स्ट, ए न, ए और न की साउंड को मिलाएंगे, बन गया एन। बोलो यस। ब एन बैन, प एन पैन, म एन मैन, क एन कैन, ट एन टैन, र एन रैन, फ एन फैन, व एन वैन। अब तुम बोलोगे कि मैडम वी की साउंड भी व की होती है और डब्ल्यू की साइन भी। बेटा इसकी साउंड में व लगता है, बट जब हम डब्ल्यू के वर्ड्स बोलेंगे तो व और ह की आवाज आती है, ये ध्यान रखना। वी बोलते समय दांत जो होता है ऊपर का नीचे के होंठ से टकराता है और तब हम वी की साउंड को बोला जाता है। व की साउंड बोलने के लिए दोनों होठों को आगे की ओर लाते हैं और बोलते हैं व, व। दोनों होठों को मिलाते हैं, जैसे ओ के लिए बोलते हैं खोलो अपना मुंह ओ की तरह, और बोलो व, व। ठीक है, चलिए अब हम कुछ वर्ड्स देखते हैं आपको कौन कौन से पता है। ये क्या है? क ए न कैन, प ए न पैन, व ए न वैन, म ए न मैन आदमी। मूव टू नेक्स्ट, ए और प की साउंड को मिलाएंगे, बन गया एप, लैप, रैप, यैप, क एप कैप, म एप मैप, स एप सैप, ग एप कैप। अब यहाँ है नैप और टैप। अब मुझे बताओ आपको कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। ये देखो ये क्या है? ये दिस इज म एप मैप। ये क्या ले रहा है? नींद ले रहा है, नींद का झोंका ले रहा है। झोंके को क्या बोलते हैं? नींद के झोंके को न ए प नैप। और इसको तो मेरे बच्चे जानते ही होंगे, ट ए प टैप। चलिए अब आपने बहुत सारे वर्ड्स पहचान लिए, क्या आप इन वर्ड्स का नाम लिख सकते हैं? ये देखो ये क्या है? ह ए ट हैट। ये क्या कर रहा है? बैठा हुआ है। बैठने को क्या बोलते हैं? स ए ट सैट। ये क्या है? इसको हम मैट भी लिख सकते हैं, सैट भी लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट ये क्या है? ग ए प गैप, ف ए ट फैट। ये क्या कर रहा है बताओ? पैट कर रहा है, सहला रहा है, प ए ट पैट, म ए प मैप, व ए ग वैग, हिलाना पूंछ हिलाना। ये क्या है? ज एम जैम। ये क्या है? टैग, ट एग टैग। ये है न ए प नैप। ये पिक्चर हम क्या कहलाती है? ड एम डैम, प ए न पैन, व ए न वैन, ट ए प टैप। तो होप सो मेरे बच्चों को वॉवल अ साउंड पहचान हो गई होगी। अगली वीडियो में इसी साउंड पर आधारित मैं छोटे छोटे सेंटेंसेस लेकर आऊंगी, तब तक आप इन वर्ड्स को अपनी कॉपी में जरूर उतारना।